الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی سے جس مشن کا آغاز کیا اور مکہ مکرمہ کے 13 سالہ دور کے اندر آپ نے جس محنت کے ساتھ جس جستجو کے ساتھ اس مشن کو پہنچایا اس کی مثال نہیں ملتی اور آپ کا جو مقابلہ کیا گیا ان 13 سالوں میں آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے جو ظلم و ستم تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں یہ بھی ایک طویل فہرست ہے ان کی لیکن اللہ کا قانون ہے انما العسر یسرا مشکل کے بعد آسانی تنگی کے بعد آسانی آ ہی جاتی ہے آپ مدینہ منورہ ہجرت کرتے ہیں کچھ سکھ کا سانس لینا نصیب ہوتا ہے اہل ایمان کو مشرکین مکہ کو وہ بھی برداشت نہیں چنانچہ بدر کا معرکہ پیش آیا سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک اللہ نے ایسی شکست سے دوچار کیا کہ بدر کا دن ہی یوم الفرقان بن گیا 70 مارے گئے 70 پکڑے گئے باقی بھاگتے چلے گئے چنانچہ انہوں نے اگلے سال سن 3 ہجری میں پھر وہی کام کیا تو غزوہ احد رونما ہوا
उहद में फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान को फतह दी, तकलीफ भी आई, 70 सहाबा किराम शहीद हुए। ये तफसील से अर्ज कर चुका हूं। ये बहुत अहम मारके थे। सन 5 हिजरी शव्वालुल मुकर्रम का महीना, बस यही महीना समझ लीजिए, छोटी ईद वाला। मदीना के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद के साथ और आसपास जितने कबाइल थे उनके साथ मुआहदे कर लिए कि हम आपके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, दुश्मन का साथ भी नहीं देंगे आपके मुकाबले में, आप भी हमारे मुकाबले में हमारे दुश्मन का साथ नहीं दोगे, रहो मदीने में, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बनु नजीर, बनु कुरैजा, ये यहूद के दो अहम कबीले थे। चुनांचे बनु कुरैजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहदा कर लिया और मुआहदा चलता रहा। इसी इसना यह 5 हिजरी का दौर शुरू हुआ। यहूद कहां बैठ सकते हैं खामोश इस्लाम के खिलाफ। चुनांचे बनु नजीर ने 20 लीडर अपनी कौम के सरदार चुने और उन्हें मक्का भेजा कि जाओ मक्के वालों को उभारो, कब तक हम इन मदीना में मुसलमानों के मातहत जिंदगी गुजारेंगे। ऐसा प्लान चलाते हैं, ऐसा हरबा कि मुसलमानों का नामो निशान मिट जाए। तैयारी कर ली, ये 20 आदमियों का वफद मक्का आ गया और मक्का वालों से कहा खैबर की खजूरें भी आपको मिलेंगी। और खैबर की खजूरें पूरे अरब में मशहूर थी। ये होगा उकसाया और आप हमला करो, हम मदीने में रहकर आपका साथ देंगे। इनसे फिर मक्का के कबाइल के पास के तमाम अहले मक्का और कबाइल को उभारा। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिलती है कि आपके खिलाफ मदीना की इस रियासत से टकराने के लिए तमाम अतराफ आलम और अरब के लोग इकट्ठे हो गए हैं, इस मदनी रियासत को खत्म कर दिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या किया जाए, मशवरा लिया, हाई कमान मीटिंग शुरू है, राय दो। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, कभी जिंदगी ने मौका दिया तो इनकी सीरत पे बोलूंगा। सहाबा में ये वाहिद सहाबी हैं कि 250 साल से ऊपर ऊपर उम्र पाई है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा से भी ज्यादा उम्र के थे। और कोई मजहब नहीं छोड़ा जिस मजहब से होते होते आखिर में आके इस्लाम तक पहुंचे ना हो। फारस के थे ना, ईरान के। तो इन्होंने राय दी, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी राय है कि मदीना के बाहर, मदीना के इर्द गिर्द, सारे मदीना के इर्द गिर्द नहीं, एक खास मकाम है कई मीलों पर मुश्तमिल, यहां पर खंदक खोदी जाए। फरमाया वो क्यों, अरब के लोग खंदक शंदक को नहीं जानते थे, जंगी इस हरबे को, ईरान फारस वाले इसको जमाने से इस्तेमाल करते थे। फरमाया सलमान क्या, किस मकसद के लिए। फरमाया हम खंदक के इस पार मोर्चा जन हो जाएंगे और खंदक के पार दुश्मन आएगा, वो खंदक फलांग के पार नहीं आ सकेगा हमारे पास, और अगर कोई आने की कोशिश करेगा खंदक में नीचे उतरकर तो ऊपर ही से पत्थर बरसा के उसको वहीं दफन कर देंगे।
राय बड़ी पसंद की गई। फरमाया जल्दी करो, तकरीबन 1000 का लश्कर सहाबाए किराम का और सैयदुल अंबिया बनफ्से नफीस खुद शरीक हैं। फरमाया 40-40 आदमियों के ग्रोह बनते जाओ, खंदक की खुदाई शुरू कर दो। कुर्बान जाऊं सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद अपने दस्ते मुकद्दस से निशान लगा रहे हैं। इधर खुदाई करनी है, इधर। क्या अजीब व शान, अजीम व शान, रफी व शान पैगंबर हैं। और उन्हीं निशानों के ऊपर खुदाई जा रही है। कुर्बान जाऊं कई कई दिन के भूखे और प्यासे काम में लगे हुए हैं और कायद लीडर रहनुमा मुअल्लिम कायनात का ये आलम है, ये नहीं खुद सोफे पे बैठ के लोगों से काम करवाए। इमामुल अंबिया खुद अपना अमामा मुबारक उतार के, कुर्ता उतार के आपके दाढ़ी और सीने के ऊपर गर्दो गुबार पड़ी है, खुद भी शरीक हैं। सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कितनी मोहब्बत है मुहाजिरीन व अंसार को। कोई कहने लगा सलमान मिन्ना मुहाजिरीन, कहने लगे अंसार, कहने लगे सलमान मिन्ना, सलमान हम में से है। और मुहाजिरीन कहने लगे नहीं, सलमान मिन्ना, सलमान तो हम में से है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये क्या माजरा जा रही है, आप कोई कहता है मिन्ना और कोई कहता है मिन्ना, किसके बारे में कहा जा रहा है। फरमाया सलमान फारसी के ऊपर मोहब्बत की बोली लगी हुई है। मुहाजिरीन कहते हैं सलमान मिन्ना, अंसार कहते हैं सलमान मिन्ना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, फैसला मैं करता हूँ, सलमान मिन्ना अहले बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से है। कहां फारस का रहने वाला और कहां कुरैशी और हाशमी और मेरे पैगंबर के आले बैत में शामिल हो जाना। सलमान मिन्ना अहलिल बैत, खुदाई शुरू है। उधर से लश्कर कुफार का तैयार हो रहा है। मक्का से तकरीबन दो रिवायतें तारीख की, पहली रिवायत 10,000 का लश्कर तैयार और दूसरी रिवायत में कि नहीं 24,000 का लश्कर। तमाम अरब इकट्ठे हो गए हैं। अब 24,000 का ये लश्कर मदीना मुनव्वरा से टकराने के लिए चलता है और इधर सहाबे किराम शब रोज किए हुए, न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, लगे हुए हैं खंदक की खुदाई में। और कुर्बान जाऊं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने इन जानसारों को देखते हैं, पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं लेकिन इस जज्बे के साथ लगे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरा फज़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा। क्या अजीब अल्फाज हैं खुदा की कसम। अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरा फज़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा। अल्लाह दुनिया की जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं है, तू मेरे मुहाजिरीन को भी बख्श दे, तू मेरे अंसार को भी बख्श दे। पैगंबर की मोहब्बत का ये अंदाज और मुहाजिरीन और अंसार की मोहब्बत का अंदाज है। वो कहने लगे नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदा
نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا نحن الذين بايعوا محمدا ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے کیا بیعت کی ہے علی الجہاد ما بقینا ابدا جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے کیا جذبہ ہے کیا ایک عجیب منظر پیش ہو رہا ہے اور آپ کو احادیث کی کتابوں سے وہ اگلے اشعار بھی سنا دوں میں کبھی کبھی یہ پڑھتا ہوں تو ایک عجیب سی وجد کی کیفیت آتی ہے کیا الفاظ ہیں کیا کہتے ہیں سارے مل کے کبھی کہتے ہیں واللہ لولا اللہم اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا واللہ لولا اللہم اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولى قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا معنی تو سنیے کہتے ہیں واللہ لولا اللہم اہتدینا اللہ کی قسم ہے واللہ اللہ کی قسم ہے لولا اللہم اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا اگر اللہ ہمارا رہنما نہ ہوتا تو نہ ہم صدقے کر سکتے نہ ہم نمازیں پڑھ سکتے فانزل سکینۃ علینا اے ہمارے اللہ ہم پہ سکینہ اور اطمینان نازل کر دیں وثبت الاقدام ان لاقینا اے اللہ دشمن سے جب مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو جما دے مضبوط کر دے ان الاولى قد بغوا علینا دشمنوں نے ہم پہ بغاوت کی ہے اور بعض روایتوں میں لفظ یہ ہے ان الاولى قد رغبوا علینا اے اللہ دشمنوں نے ہمارے خلاف پوری دنیا کو ترغیب دے کے اکٹھا کر لیا ہے کلما اذا ارادوا فتنۃ ابینا جب بھی انہوں نے فتنے کا ارادہ کیا ابینا ہم نے فتنے میں پڑھنے سے انکار کیا ہم نے ان کا مقابلہ کیا ابینا الفاظ کیا تاریخ کے کہ ابینا کا لفظ جب کہتے تو پورا مجمع گونج جاتا اس لفظ کو سارے کھینچ کے ہم نوا ہو جاتے کہ اذا ارادوا فتنۃ ابینا آپ بھی ذرا کہہ دو کیسے کہتے ہیں اذا ارادوا فتنۃ ابینا کیا کہا ابینا ہم انکار کرتے ہیں اس سے لطف لیتے ہیں لگے ہوئے مصروف عمل ہیں دریں اثنا صحابہ کرام میں سے کچھ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھدائی کے دوران چٹان آ گئی ہے اور اتنی بڑی چٹان ہے کہ کودال مارتے ہیں پلٹ کے کودال دور جا لگتی ہے اس پہ اثر بھی نہیں پڑتا فرمایا اچھا بس آپ چھوڑ دو میں آ رہا ہوں اپنے اپنے حصے میں کھدائی شروع ہے نا آپ چھوڑ دو میں آ رہا ہوں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں جو ہی آپ پہنچتے ہیں اللہ ذرا دیکھیے کرتا اتارا ہوا پیٹ پہ دو پتھر باندھے ہوئے فرمایا کہاں ہے کودال لے آؤ ذرا تھما دی نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں کودال کے پاس زور سے جب مارتے ہیں
एक दफा मारा कुदाल टुकड़े हो गया, चिंगारी निकली, फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने मुझे कैसर और किसरा के महल दिखा दिए हैं। अल्लाहु अकबर। ओ भाई नारा रिसालत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह तवज्जो है। चिंगारी निकली, फरमाया अल्लाह ने मुझे महल्लात दिखा दिए। दूसरी जरब लगाई, फिर जब दूसरी जरब लगाई चट्टान टुकड़े हो गया, टुकड़ा अलग होते हुए फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने मुझे मदाइन के महल्लात दिखा दिए। तीन दफा वार किया, चट्टान रेजा रेजा हो गया। कुर्बान जाऊं, हाथ हरीरी है। हजरत अनस फरमाते हैं अल्लाह की कसम मैंने आज तक कोई रेशम मुस्तफा करीम के हाथों से नरम नहीं देखा। हरीरी हाथ, लेकिन कुव्वत, कुव्वत का अंदाजा यहां लगता है कि एक कोदाल लगाते हैं चट्टान चूर चूर हो जाता है। और ये नहीं, खाने पीने से बंदा लीडर नहीं बन जाता मेरा दोस्त। आप समझे कि बाकी सारे भूखे होंगे और नबी अलैहिस्सलाम खा रहे होंगे, नहीं, दो पत्थर बांधे हुए हैं। किसी ने क्या ये खूब नक्शा खींचा है कि खजूरों और पानी पर मईशत घर की चलती थी, खजूरों और पानी पर मईशत घर की चलती थी, गुजर जाते महीने आग चूल्हे में न जलती थी, कई रात दिन फाखों में अपने काट देते थे, कई रात दिन फाखों में अपने काट देते थे, शिकम पर भूख की शिद्दत में पत्थर बांध लेते थे। लेकिन मकाम अल्लाह ने कितना दिया था कि मुसाफा जिसको होने की सआदत हाथ आती थी तो पूरा दिन गुजर जाता मगर खुशबू न जाती थी। ये एक अजीब मंजर है, आप लगे हुए हैं, सहाबाए किराम लगे हुए हैं। ईमान के जज्बे के साथ जरा जोर से बोलो सीरत मुहम्मद मुस्तफा, शान मुहम्मद मुस्तफा। दोस्तों गौर से देखिए, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रहमहुमल्ला दोनों अपनी सहीहैन, इन दोनों किताबों के अंदर है मुत्तफक अलैह हदीस, कि एक सहाबिया के अर्ज करते हैं अपनी बीवी से, अबू तलहा रजी अल्लाह ताला ने बीवी से कहते हैं कि आज मैंने नबी अलैहिस्सलाम की आवाज में कुछ नरमी पाई, लगता है आपको भूख ज्यादा लगी है। फाके तो सभी को थे, तो आज भूख लगी है, आवाज में मैंने धीमापन देखा है, कुछ है। बीवी ने फौरन निकाली दो तीन रोटियां, घर से निकाली दी, कपड़े में लपेट के ले जाइए। जब हजरत अनस को दी, अबू तलहा ने हजरत अनस को दी, क्योंकि खादे में खास यही थे। जब वो करीब आते हैं हैरान होते हैं, सोचते नबी अलैहिस्सलाम कब अकेले हों तो मैं ये पेश करूं, पास देखते हैं तो 70-80 आदमी बैठा हुआ है। अब इस सोच में है कि कैसे 70 आदमी पास हैं तो ये कैसे पेश करूं, बस इसी इंतज़ार में हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने देखते हुए फरमाया आ जाओ करीब आ जाओ, क्या मसला है। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ रोटियां हैं। फरमाया अबू तलहा ने भेजा है? जी हाँ, ले जाओ उनके घर ले जाओ। सबको कहा भाई आओ, अबू तलहा ने दावत की है। अब वो दौड़ते हुए घर की तरफ जा रहे, पैगाम पहुंचा दिया कि जाओ, मामला तो कुछ और हो गया है।
वो आते ही जब उन बीवी को कहा कि भाई जल्दी करो, मैं तो उन्हें तन्हाई में देखना चाह रहा था, वो सबको दावत दे के ले आए। बीवी इतनी कामिलुल ईमान थी, कहने लगी बस वो जाने, उनका काम जाने, आने दो, हम अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे, आने दो। बस जब आए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कहाँ हैं वो रोटियाँ, वही रोटियाँ ले आओ लाई। फरमाया चूरा चूरा कर दो। जब उन्हें चूरा चूरा पीसा गया ऐसे, तो इतने में अबू तलहा की बीवी एक थैला सा ले आई चमड़े का जिसमें घी था, वो घी लाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये इसके ऊपर डाल दो ताकि ज़रा नरम हो जाए। अब जो कई कई दिन की भूख और फाका हो ना, फिर ये खाते हुए मज़ा भी आता है। अल्लाहु अकबर। जब सब के सामने रखा, अल्लाह अल्फाज क्या हैं, सब ने खाना खा लिया, उसमें एक जर्रा कमी नहीं आई। सुभान अल्लाह। और यही दूसरा मौजज़ा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नकल किया और इमाम मुस्लिम ने, कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला ने, चूंकि खंदक की खुदाई को एक दिन का काम थोड़ा ही था, ये तो कई दिन लगे हुए हैं, बीवी के पास आए, कहने लगे आज मेरा दिल करता है नबी अलैहिस्सलाम की दावत की जाए। तो कुछ है उनका घर में? और तो कुछ भी नहीं, अलबत्ता एक बकरोटा सा है, बकरी का एक छोटा सा बच्चा है। मैं बस शाबा ज़बह कर दिया, कहा आप इसको पकाएं, हंडी पे रखें, मैं मौका पा के नबी अलैहिस्सलाम को और दो चार जो साथ करीबी साथी उनको लेके आ गया। बीवी तैयारी में है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला नो आगे पीछे दाएं बाएं हो रहे हैं, जूं ही मौका पाए और ले जाएं अल्लाह के पैगंबर को घर। जब करीब हुए, कान में आए, आयस्ते से बतला दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आपकी और आपके साथ दो चार जो आपके खादे में ख़ास हैं तो उनकी। फरमाए अच्छा, सबसे कहा भाई हलुम्मु तैयारी करो, हजरत जाबिर ने सबकी दावत की। अब हजार का लश्कर है, दावत की हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला नो हैरान हो परेशान हो गए कि ये तो क्या बन गया, मैंने तो शायद सुना नहीं। बीवी से आके कहा, बीवी ने कहा पहले ये बताओ आपने बात कैसे की? मैंने बात यही की है कि आप आए और दो तीन चार साथियों। फरमाया आपने ऐसे ही कहा? जी मैंने ऐसे ही कहा। फिर आप फिक्र ना करें, छोड़ें, आने दो। सारे आए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर हंडी कहाँ है? फरमाया हंडी तो ये है। कहा उतारना नहीं, आपने लुआबे दहन लगाया। फरमाया बस इसी तरह उबलते रहे और इससे निकाल निकाल के देते रहो, ढकना नहीं हटाना। निकालते गए, हजारों ने खा लिया। जब घर वालों ने बाद में देखा, खाना उसी तरह था। ये बात जहन में रहे कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात जो किताब व सुन्नत से साबित हैं, हमारा उन पे ईमान है, हम मानते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, बारहा मैं कह चुका हूं कि नबी का मौजज़ा जाहिर नबी के हाथ पे होता है, लेकिन उसमें तसर्रुफ और इख्तियार किसका होता है? अल्लाह का होता है, इख्तियार उसमें अल्लाह का होता है। और किसी वलीउल्लाह के हाथ पे अगर कोई करामत जाहिर हो तो वो उसके इख्तियार में नहीं होती, उसमें भी इख्तियार किसका होता है? जब चाहे अल्लाह जाहिर कर दे, और जब ना करे तो कोई नहीं। मुतालबा कर रहे हैं कि मौजज़ा दिखा दीजिए, तो अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर जवाब में इनसे कह दीजिए कि मौजज़ा मेरे इख्तियार में नहीं, किसके इख्तियार में है? ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। ये था वो ग़ज़वा खंदक का एक मुख्तसर सा नक्शा। उधर खंदक तैयार हो गई,
उधर 24,000 का लश्कर बाहर आ गया, लेकिन उनकी भी आंखें हैरान हैं, हैरत ज़दा हैं कि ये क्या मामला हो गया। मदीने का रास्ता ही बंद है अंदर जाने का, खंदक खोदी हुई तो ये खंदक तो वो भी नहीं जान रहे। चुनांचे उन्होंने उधर ही पड़ाव डाल दिया, खेमे लगा लिए, हर दिन के लिए नया कमांडर बनाया जा रहा है कि सोचो किस तरह खंदक को पार करना है। और मुसलमानान मदीना मुनव्वरा खंदक के करीब मौजजा ये मोर्चा जन बैठे हुए हैं, लेकिन क्या कीजिए, जहां भी हक का आलम उठा के चलोगे आपको दो तरह से लोगों के साथ वास्ता पड़ेगा, दो तरह के लोगों से। एक तो वो होंगे जो खुल के आपके दुश्मन और मद्दे मुकाबिल होंगे, लेकिन इसके साथ साथ कदम कदम पे आपको मुनाफिकों से भी पाला पड़ता जाएगा, जो दोस्ती में दुश्मनी का किरदार अदा करते होंगे, जो अपना बन के आपकी जड़ें काटते होंगे, जो दोस्त बन के आपके दुश्मन होंगे, जो अपने बन के आपकी कत्ल की साजिशें करते जाएंगे। और मदीना मुनव्वरा में ये आरा तकरीबन ऐसे ही थे। अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल और उसके हमनवा, काफी तादाद थी इनकी, इन बदबख्तों ने कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। हर मौका पर गज़वा उहद में अब्दुल्ला इब्ने उबई साथ जा रहा था, ऐन मौका पर 300 आदमी या बाद में 200 आदमियों का लश्कर अलग करके वापस हो गया, साथ गया और फिर वापस हुआ। जी मेरी गाली कोई नहीं मंदा, भैया आपकी क्या माने, मेरी बात ही किसी ने नहीं मानी, लिहाजा मैं क्या होता हूं, अलग होता हूं। ऐसे मौके पर जो छोड़ जाए तो समझो वो आपका है ही नहीं है। तो यहूद का वो कबीला जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से मुआयदा किया था बनू कुरैजा, ये इसी मौका पर फिसल गए और मुआयदा तोड़ दिया, मुशरिकीन का साथ देना शुरू कर दिया। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम इतने परेशान हुए कि या अल्लाह सामने दुश्मन आ गया, हमने अपनी औरतें पीछे कले में बंद कर दी थी कि चलो हम सामने लड़ेंगे, पुश्त तो महफूज है, अब पीठ पे इनका कबीला है बनू कुरैजा का, ये भी उनसे जा मिले तो अब तो हमारी पुश्त भी जो है गैर महफूज होगी। हजरत साद बिन मुआज साद बिन उबादा को भेजा, जाओ उनसे बात करो कि क्या मुआहदे पे कायम है। जब वो बात करने आए तो जालिम इस हद तक बढ़क उठे, कहने लगे जाओ हमें कोई मुआहदे का पता ही नहीं, नबी अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी लेके कहने लगे हम जानते ही नहीं उनको, मुआहदा किस बात का। जब ये बात की नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया फौज इतनी है नहीं कि इनको तकसीम किया जाए, 300 सिपाही आपने तैयार किए और ख्वातीन के तहफ्फुज के लिए उस कले के करीब खड़े कर दिए। इधर 20 दिन होने को हैं, कितने दिन, 20 दिन होने को हैं, दुश्मन बाहर सफे बनाए खड़ा है कि जूई अंदर जाने का मौका मिले और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा दें। किसी तरह खंदक पार करने की कोशिश करते करते आखिर इनमें से एक शमशीर जन था बड़ा माहिर, आमिर इब्ने अब्द वद, ये इतना तलवार में माहिर था कि अरब कहते थे 1000 का हम पल्ला है, अकेले को कितने का हम पल्ला समझते, 1000 का। इसने दो चार साथियों को लिया और इन 10-15-20 दिनों में इसने घोड़े को खूब छलांग लगाने का आदि भी कर दिया। तो खंदक में जिधर फासला कम था चौड़ाई, वो जगह तलाश की और जो घोड़े को छलांग दी, घोड़े ने छलांग लगाई और पार हो गया, मदीना में दाखिल हो गया। अल्लाहु अकबर, जब मदीना में उसका घोड़ा, उसका गुरूर
उसका तकबर तो इंतहा को पहुंच चुका। और पार होते ही तीन साथियों समेत चिल्ला के कहने लगा, हल में मुबारिज़ है कोई मर्द मैदान जो आए मेरे मुकाबले में। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला एकदम उठते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली पता है कौन है? ये आमर इब्ने अब्द वद है, अरब इसको हजार का मुपल्ला समझते हैं, बैठ जाओ। फिर उसने आवाज लगाई, हजरत अली रजी अल्लाह तआला कहने लगे, या रसूल अल्लाह जो भी हो मैदान में निकलना पड़ गया है, जो भी हो बस मैं उतरता हूं मैदान में। आपने उनका अमामा बांधा, फरमाया निकलो उतरो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला जब अरब के मशहूर शमशीर जन अमर इब्ने अब्द वद के मुकाबले में निकलते हैं, वो घोड़े पर है, अली उल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो जमीन पर हैं, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, मैंने सुना है तेरा दस्तूर है कि तू मैदान जंग के अंदर भी तीन बातें मंजूर कर लेता है। तो अमर बड़े गुरूर के साथ कहने लगा, हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं ऐसा ही हूं। बोलो आपके तीन मुतालबे क्या हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, मेरा पहला मुतालबा है कि अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह कलमा शहादत पढ़ ले और ईमान ले आ। कहने लगा नामुमकिन है, पहली शर्त नहीं मानी जा सकती, दूसरी बोलो। फरमाया अमर इब्ने अब्द वद, फिर दूसरा मुतालबा ये है मेरा कि जिस रास्ते आया है इसी रास्ते पलट के चला जा। कहने लगा अच्छा आपका क्या मतलब, अरब की औरतें मुझ पे शायरियां करे ताना दे के मैदान में उतर के भाग आया, ये भी मंजूर नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, फिर तीसरी शर्त मान ले। जी क्या? फरमाया फिर आ मेरी तलवार के मुकाबले में खड़ा हो जा, फिर आ जा उतर मैदान में भी पता चलता है। अब जिनकी रोज ईद होती थी इधर जिक्र करते थे उधर ईद होती थी। फरमाया उतर फिर मेरे मुकाबले के लिए। उसने तलवार ऐसी निकाली जब नियाम से, इतनी चमकदार थी कि जैसे बिजली हो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, बहादुरी इतनी गुरूर इतना है और घोड़े पर और मैं पैदल हूं, मजा तो तब आए जरा नीचे आना। तो कह कहा लगा कि कहने लगा, तू कौन है? पहचाना नहीं तू कौन है? फरमाया अना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूं। तो अमर इब्न अब्द वद कहने लगा, अच्छा अबू तालिब तो मेरा दोस्त था, मैं नहीं चाहता हूं कि अपने दोस्त के बेटे को कत्ल कर दूं, वापस हो जा। हजरत अली ने फरमाया, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मैं तुझे कत्ल कर दूं, तू चाहे या ना चाहे मैं तो चाहता हूं तेरी गर्दन उतार दूं। घोड़े से उतरा, इस अंदाज से छलांग नीचे लगाई और छलांग लगाते इतनी तेजी से फिरकी की तरह घूमा जमीन पे, एक वार से अपनी घोड़े की चारों टांगे काटती दहशत बिठाने के लिए, चारों टांगे काटती और खड़ा हो गया जी। फिर हवा में उसने छलांग लगाई, ऐसे कूदा और हजरत अली रजी अल्लाह तआला पे वार किया, इस जोर का वार किया कि शेर खुदा रजी अल्लाह तआला ने ढाल सामने किया। जोर इतना था उसकी वार में कि ढाल कट गया, टुकड़े हो गए ढाल,
और डाल टुकड़े होते हुए तलवार डाल से निकलती हुई हजरत अली रजी अल्लाह तआला के पेशानी तक आ पहुंची। जोर तो कम हुआ लेकिन हल्का सा जख्म पेशानी पे आया, इससे हजरत अली रजी अल्लाह तआला को नुकसान तो कोई नहीं पहुंचा, अलबत्ता आपको जलाल जरूर आ गया। फिर हैदर कर्रार की जुल्फिकार तलवार जब उठती है हवा में तो एक बिजली की चमकार की तरह उठती है, और अमर इब्ने अब्देवर पे जब लगती है सर से नीचे तक एक ही वार से दो टुकड़े कर दिया। लोहे की जिरह पहनी हुई जंजीरों को खुदा जाने किस कुव्वत से मारा कि उसको बिल्कुल गाजर की तरह काट के रख दिया और नीचे गिर गया। बस जैसे ही टुकड़े हुआ इधर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है, उधर मुशरिकीन की सफों में मातम बिछता है, सफे मातम वहां बिछती है, और बाकियों ने जब ये हाल देखा जो तीन थे ना तो उन्होंने और नहीं की तो छलांगे लगाई, खंदक में भागने की कोशिश की। मुसलमानों ने ऊपर से पथराव करके उनको वहीं उनका काम तमाम कर दिया। अल्लाह अकबर। अब बार बार पैगाम आ रहे हैं कि जी हमें हमारी मैयत का सर दे दिया जाए, अमर इब्ने अब्देवद का सर दिया जाए, यहां तक कीमत के 10,000 दिरहम देते हैं दीनार हमें सर दिया जाए। नबी अलैहि सलाम ने कहा कि मुफ्ती ले जाओ, हम लाशों की तिजारत नहीं करते, पास रखो ले जाओ। ये था वो गजवा खंदक। लेकिन हुआ क्या, नतीजा देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करते हुए कहते हैं अल्लाहुम्मा मुंजिलल किताब व मुजरी अस्सहाब हाजिम अल अहजाब इहजिमहुम व जलजिलहुम वंसुरना अलैहिम। अल्लाहुम्मा मुंजिलल किताब व मुजरी अस्सहाब हाजिम अल अहजाब इहजिमहुम व जलजिलहुम। अल्लाहुम्मा मुंजिलल किताब, ओ किताब नाजिल करने वाले अल्लाह, ओ बादलों को चलाने वाले अल्लाह, सरी अल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाले अल्लाह, हाजिम अल अहजाब लश्करों को शिकस्त देने वाले अल्लाह, इहजिमहुम अल्लाह इन्हें शिकस्त दे दे, व जलजिलहुम इन्हें झंझोड़ के रख दे अल्लाह, वंसुरना अलैहिम और अल्लाह हमारी मदद कर इनके मुकाबले में। ये दुआ आप याद कर लें, बड़ी कारामद है, आजमूदा है। जब भी दुश्मनान ऐसे इकट्ठे हों उस वक़्त पढ़ें, उसका असर देखें। सही बुखारी की है, नबी अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होती है, और पूरी सूरत सूरतुल अहज़ाब इसी ग़ज़वा खंदक के नाम से मौसूम है। ग़ज़वा खंदक का एक नाम है ग़ज़वा अहज़ाब, अहज़ाब जमा हिज्ब की है, हिज्ब ग्रोह लश्कर को कहते हैं, कि इसमें तमाम अरब कबाइल और मक्के के सारे ग्रोह शामिल हुए थे। कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़िक्रुल्लाह उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, सूरह अहज़ाब 21वां पारा आयत नंबर 9 से पढ़ने लगा हूं। ए ईमान वालों अल्लाह की नेमत को याद करो जो उसने तुम पर की, इज जाअतकुम जुनूदुन जब तुम्हारे ऊपर लश्कर सारे आ गए, फअरसलना अलैहिम रीहा तो हमने उनके ऊपर तेज और तुन हवा भेजी, व जुनूद लम तरौहा और उन पे हमने अपना लश्कर भेजा जो तुम नहीं देख सकते, यानी फरिश्तों का लश्कर भेजा। वकानल्लाहु बिमा तअमलून बसीर और अल्लाह उस पर जो तुम अमल करते हो देखने वाला है। इज़ जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन असफल मिनकुम, जब वो मदीना के ऊपर की जानिब से आ गए
और मदीना की नीचे की जानिब से आ गए। वइज़ ज़ागतिल अबसारु, और जिस दिन आंखें पथरा आ गई, जब मौत सामने हो तो आंखें क्या हो जाती हैं, पथरा जाती हैं, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। अल्लाह अकबर, कुरान ने क्या नक्शा खींचा है। फरमाया वइज़ ज़ागतिल अबसारु वबलगतिल कुलूबुल हनाजिरा, और दिल अपनी जगह से निकल कर गले में आ चुके। हैबत इतनी थी कि दिल गले तक आ चुके थे। वतज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम अल्लाह के मुतअल्लिक तरह तरह के गुमान करने लगे। कुरान कहता है हुनालिक इब्तुलियल मुमिनून वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, इस मौका पर मोमिन आजमाए गए, खूब झंझोड़े गए, खूब झंझोड़े गए, सख्त हिलाए गए। और क्या हुआ, इधर इनका तो ये हाल था, मुनाफिकीन की जरा मंजर कशी भी की है कि उनका हाल क्या था। मुनाफिक का तो वैसे भी ईमान तो होता नहीं, डर तो उनके अंदर पहले से। कुरान कहता है वَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ, जब कह रहे थे मुनाफिक وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी, क्या कह रहे थे, कह रहे थे मा वादना अल्लाह व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे नहीं वादा किया मगर धोखे का। अस्तग़फिरुल्लाह, जब हालात सख्त हो गए तो मुनाफिक कहने लगे अल्लाह और उसके रसूल का वादा धोखा था। अच्छा, और आकर मोमिनों से भी क्या कहने लगे, وَيَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ ओ मदीने वालो ला मुकाम लकुम फरजऊ, छोड़ इधर मोर्चों में बैठे हुए हो, यहां तुम्हारे लिए ठहरने की गुंजाइश नहीं, फरजऊ घरों को लौट जाओ। अब मुसलमानों को फिसलाने की कोशिश, छोड़ो जाओ घरों को, इधर क्यों बैठे हो, महीना होने को भूखे प्यासे, चले जाओ घरों को। और क्या कह रहे थे, कुछ की तो हालत ये थी وَيَسْتَعْزِمُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ, और कुछ आके तो बड़े आजिजी के साथ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में परेशानी, आप मुझे इजाज़त दे दें मैं चला जाऊँ। कोई आके कहता या रसूल मेरा घर गैर महफूज है, तो बच्चे हैं बीवी है, घर गैर महफूज है, मुझे भी इजाज़त दे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाओ, जो इजाजत मांग रहे जाओ। कुरान क्या कहता है जरा सुनिए, वयस्तअज़िनु फरीकुम मिनहुम नबिया यकूलूना इन बुयूतना औरा, बेशक हमारे घर गैर महफूज हैं। कुरान कहता है वमा हिय बिऔरा, हालांकि वो गैर महफूज नहीं थे, इन युरीदूना इल्ला फिरारा, ये फिरार चाहते हैं, भागना चाहते हैं, आपसे भागना चाहते हैं, आपकी मजलिस से। और इनके अंदर निफाक इतना है कि अगर इनको काफिर साथ मिला लें तुम्हारे खिलाफ तो फौरन तैयार हो जाएं। आपके साथ हैं तो ये हाल है, जाते हैं इजाजत, और अगर ये काफिर इनसे कहें हमारे साथ हो जाओ तो ये ठहरेंगे नहीं, उनके साथ हो जाएंगे। وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا, ان کی حالت تو یہ تھی نا, اب ذرا مومنوں کی بھی تو حالت دیکھ لیجئے, منافق کا زلزلہ تو آپ نے دیکھ لیا ہیں, اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا, لیکن مومن کی حالت, कुरान कहता है वलम्मा रा المؤمنون الاحزاب, जब पक्के मोमिनों ने इन दुश्मनों के लश्करों को देखा तो मुनाफिकीन ने क्या कहा कि अल्लाह और उसके रसूल ने क्या वादा किया, धोखा किया। और मोमिनों ने जब देखे लश्कर तो कहने लगे
हादा मा वादन अल्लाहु व रसूलुहु, यही है वो जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था। वसदकल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ने वादा सच कर दिखाया है, सच्चा वादा है। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानं व तस्लीमा, मोमिनों का ईमान और उनकी ताबेदारी का जज्बा और बढ़ रहा है और मजबूत हो रहे हैं। अल्लाह, ये उनका मंजर कुरान जिक्र करता है। इधर नबी अलैहिस्सलाम दुआओं में मसरूफ, शदीद सर्दी है, ठंड है, और इसी इसना में जिब्रील आ गए। फरमाया, या रसूल अल्लाह बिशारत सुन लीजिए, अल्लाह की मदद आने वाली है। अल्लाह मदद आने वाली है। फरमाया, किस अंदाज में? फरमाया, अल्लाह इन पे ऐसी हवा भेज देगा, सारे भागते चले जाएंगे। बस जो ही जिब्रील गए, अल्लाह ने आंधी भेज दी। ये पहले मैंने आयत पढ़ी कि अल्लाह ने उनके ऊपर ऐसी हवा भेज दी, फअरसलना अलैहिम रीहा, तेज हवा और शदीद ठंड, और खुले लश्कर जब पड़े हुए, खेमे सारे उखड़ गए, जो देगें जो हंडियां पकाने के लिए आग पे रखी हुई देगें उलट गई सारी, रेत उड़ती, आंखें सारी अंधी होने लग गईं, घोड़े और ऊंट बिदक के तितर बितर हो गए, उन्हें सर छुपाने की कोई जगह नहीं मिल रही, जाएं तो कहां जाए, ऐसी भगदड़ मची हुई है, मुसलसल तेज हवा चल रही है। यहां तक चल रही है कि मुशरिकीन के लीडर ने कहा, भाई कोई जाए या ना जाए, मैं तो ऊंट पे छलांग लगाएगा, मैं तो जा रहा हूं। किसी ने कहा, भाई आप तो जा रहे हो, अब कम से कम इनको तो वापस जाने दो, पहले ये जाएं, आप बाद में जाना। सारे जाने लगे, नबी अलैहिस्सलाम ने आके देखा सर्दी है, बदन पे लिबास भी सहाबाए किराम के कम है। सारे हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, मैं एक इमारत में शदीद सर्दी की वजह से आधी सी चादर अपनी ऊपर की हुई और सुकड़ा हुआ हूँ, बदन को सुकेड़ के बैठा हुआ हूँ। इतने में नबी अलैहिस्सलाम पास से गुजरे, यूं नजर डाल के फरमाया, हुज़ैफ़ा। मैंने कहा, जी जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाइए। फरमाया, कोई ऐसा नहीं है कि जाके उनका लश्कर तो देख के आए क्या हो रहा है उधर, कोई नजारा करके तो आए, देख के आए, खबर ले आए। हजरत हुज़ैफ़ा कहने लगे, दिल में सोचा कि सर्दी से तो इधर ही जान निकल रही है और बाहर हवा भी चल रही है, बदन का ये हाल है। उठ गया, फरमाया, जी या रसूल अल्लाह मैं तैयार हूँ। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, मैं तैयार हूँ जाने के लिए, लेकिन अल्लाह के पैगंबर सर्दी बड़ी है। फरमाया, हुज़ैफ़ा कदम बढ़ा, रब इंतजाम कर देगा, बस छलांग लगाई, चादर फेंकी, जब कहते हैं अल्लाह की कसम, निकलते ही रब ने ऐसा बदन जज्बा गर्म कर दिया जज्बे से, और ऐसा इंतजाम कर दिया कि मुझे वहां सर्दी के बजाय इतना लुत्फ आ रहा था कि मैंने खूब लश्कर के अंदर घूम फिर के नजारे किए और उनको जलील होते हुए देख के लुत्फानंदोज भी हो रहा हूं। खूब नजारा करके सारी खबर आके सुना दी। ये वो मारका था जब सारे जलील होके रुस्वा होके चले गए, नबी अलैहिस्सलाम पलटने लगे, वो अल्फाज क्या देता हूं, अल्लाह के पाक पैगंबर फताया बगैर लड़े जब आने लगे मोर्चों से उठ के, तो क्या कहने लगे, फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल शैइन कदीर, आइबूना आबिदूना साजिदूना ले रब्बिना हामिदून, सदकल्लाहु वादा
ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ये नगमा पढ़ते पढ़ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए. जो आते हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा में पहुंचते हैं, गुसल किया, सर मुबारक खुश करते हुए गुसल खाने से बाहर आते हैं. जो ही बाहर आते हैं जिब्रील खड़े हैं सामने. अल्लाह अकबर. जब नबी अलैहि सलाम ने जिब्रील को देखा वो घोड़े पर है और जिब्रील के ऊपर जंग के असबाब और आलात असलहा से लेस हैं. फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो हथियार रख दिए. फरमाया जिब्रील जंग खत्म हो गई. फरमाया नहीं, आपने रख दिए, अभी तो हमने लिबास से जंग नहीं उतारा, असलहा तो अब भी हमारे पास है. फरमाया अब कहाँ जाना है. कहा अब उन गद्दारों के पास जाना है जिनसे मुआयदा हुआ था और उन्होंने बीच चौराहे के मुआयदा तोड़ा ऐन मौके पर, अब उनकी खबर लेनी है. वो तो गए. नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जल्दी तैयारी करो साथियों. बस लम्हों में सारे तैयार हुए, बनू कुरैज़ा की बारी शुरू हो गई. जब पहुंचे बनू कुरैज़ा सारे कले में बंद हो गए. उधर भी कई दिन लग गए, कले से वो बाहर आते नहीं, अंदर जाने का रास्ता कोई नहीं. आखिरकार जब उन्होंने देखा अल्लाह ने इतना रोब डाल दिया उन पे कि वो कहने लगे जी हम जो चीज उठा के ले जा सकते हैं ना उसकी हमें इजाजत दे दें, बाकी जमीनें ले लें. नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं. फिर आखिर में उन्होंने सुलह के लिए ये कहा कि जी हम हथियार डालते हैं, हमारे बारे में फैसला वही करेगा जो साद बिन मुआज, साद बिन मुआज फैसला करेगा, वही साहब जो पहले इनके पास आए थे कि मुआयदा ना तोड़ो. और इन्होंने क्या कहा था जवाब में, हम कोई मुआयदा शायदा नहीं जानते. वो बेचारे जख्मी थे, मस्जिद नबवी में पड़े हुए हैं. पैगाम गया कि नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, आपने फैसला करना है. जब साद बिन मुआज आते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद अब आपको यहूदियों ने अपना हकम मान लिया, आप जो फैसला करेंगे मुझे भी मंजूर होगा, उन्हें भी मंजूर होगा. साद बिन मुआज जाके उनसे पूछते हैं मैं जो फैसला करूंगा मंजूर होगा. कहने लगे मंजूर होगा. नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया या रसूल अल्लाह अगर मैं फैसला करूं आपको भी मंजूर होगा. नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद मुझे भी मंजूर होगा, तमाम मोमिनों को मंजूर होगा. साद जख्मी हालत में खड़े हैं, कहने लगे फिर मेरा फैसला ये है कि इनके सारे मर्दों को कत्ल कर दिया जाए और औरतों को बांदियां बना दिया जाए, बच्चों को गुलाम बना लिया जाए. जब फैसला ये सुनाया गया, ये तो यहूद की तवक्को भी नहीं थी. निका हो सकता है हमारे कुछ सबका ताल्लुकात का लिहाज रखेंगे. जब ये फैसला साद ने सुनाया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की कसम साद तूने वही फैसला किया जो रब ने आसमानों पे कर दिया है, तूने वही फैसला किया जो अल्लाह कर चुका है. पकड़े गए 400, लाए गए, खड़ा गड़ा खोदा गया, उनके सर कलम करके बीच में फेंके गए और बाकियों को गुलाम बनाया गया. सारी जमीन कब्जा कर दी गई. बहुत सारे मुस्तशरिकीन इन फैसलों पे एतराज़ात करते हैं, काश वक्त होता तो मैं इस पे तफसील से गुफ्तगू करता. लेकिन साथ का ये अजीम शान फैसला नबी अलैहिस्सलाम ने वापस आते हुए फरमाया मेरे साथियों आज तक ये हम पे लश्कर कशी करते रहे ना, आज इस मार्के के बाद ये लश्कर कशी नहीं करेंगे, हम करेंगे. इनका जोर अल्लाह ने तोड़ दिया है, अब ये नहीं, अब हम पेश कदमी करेंगे. यही वह मारका था जो सन 5 हिजरी शव्वालुल मुकर्रम में पेश आया और अल्लाह ने सूरह अहज़ाब में इसकी तफसील बयान की. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी इस्लाम की इस तारीख को याद रखने की तौफीक अता फरमाए और मुसलमानों को इससे सबक लेने की भी तौफीक अता फरमाए.